यस सर। आज की मैथ की क्लास यस में हम लोगों ने जो पिछले क्लास में होमवर्क आपको दिया गया था उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इनकरेक्ट, कई सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। आप लोग को समझाया गया था 2 tens इक्वल टू, क्या बताया गया था 2 tens इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tens? 20 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ones? 2 ones इक्वल टू सर टू। लेट से इफ आई एम रिटर्न 2 ones प्लस 20 tens, 20 tens बोल रहा हूँ, 2 tens प्लस 2 tens इक्वल टू हाउ मच? 2 ones प्लस 2 tens इक्वल टू कौन बताएगा? बताइए, कोई भी बताइए। हाउ मच बेटा? 2 ones इक्वल टू व्हाट? 2 ones, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ones बेटा? मैडम सार्थक आपके यहाँ से आवाज आ रही है, मैं आपको बाहर कर दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ones बेटा? आसना, आराध्या, अमर, स्वनिमा, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 ones? 22। 2 ones इक्वल टू, आई एम आस्किंग 2 ones इक्वल टू 22। उसी तरह 2 ones प्लस 2 tens इक्वल टू कितना? 22। कितना? 22 tens या 1s? सर 10 ones। क्योंकि ये 22 ones है, 2 tens इक्वल टू 20 ones मैंने बताया था ना? टू वंस और ऐड होगा तो 22 ones क्या होगा? कई सारे बच्चे टेंस लिखे हैं, दैट इज रॉन्ग। समझ में आया? यस सर। टू टेंस इक्वल टू 20 किया आपने, तो 20 क्या? 2 tens इक्वल टू 21। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये 22 ones हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने कई सारे बच्चे गलत किए हैं, तो एक दो बार में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आज आपकी बुक सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 tens प्लस 5 ones इक्वल टू हाउ मच? 3 tens इक्वल टू हाउ मेनी वन? 3 tens, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tens? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tens? 35। क्या 30? आराध्या खेल रही हो, आराध्या यादव आप अपना मोबाइल फोन अपनी पढ़ाई नहीं कर रही हो, पेंसिल से आप गेम खेल रही हो। 3 tens इक्वल टू कितना बेटा? कितना वंस? 3 tens इक्वल टू 31 इक्वल टू हाउ मच? 35 ones। समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब की बार आप लोग से पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सबसे पहले आदर्श यादव मन्नापुर आप बताइएगा, 2 ones प्लस 1 tens इक्वल टू हाउ मच? आदर्श यादव मन्नापुर आप बताइए बेटा जल्दी से। ओके आरोही पाल बेटा आप बताइए, आदर्श यादव मन्नापुर नहीं बता पा रहे हैं, आप बताइए।
बाकी सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी मैं आपसे भी पूछूंगा, अगर आरोही नहीं बता पाएगी तो फिर मैं किसी और का नाम लूंगा और वो तुरंत बता दे। टू वन प्लस वन टेंथ इक्वल टू हाउ मच आरोही? सर टू टेंथ। टू टेंथ क्यों? क्यों आपका टू टेंथ कैसे होगा? टू टेंथ इक्वल टू कितना होता है? टू टेंथ मीन्स कितना होता है बेटा? आप लोग बताइए। टू टेंस इक्वल टू 21 होता है, तो फिर ये तो रॉन्ग है ना। तो क्या बोला? 12। 12 क्या बेटा? वन टेंस मतलब 10 वन, टू वंस मतलब 2 वंस है ही, ये भी वंस वंस दोनों हो जाएगा, हो जाएगा ये 2 वंस हो जाएगा, टोटल कितना होगा, क्या होगा आरोही? 12 कितना? 1200 ये 1210 12। देखो बेटा 12 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको लिखना है 12 टेंस या वन। आपने ये 12 टेंस है या वन है कैसे पता चलेंगे? ये वन इसको टू वन आपने बोला है, टू टू वन मतलब टू वन, इसको वन टेंस इक्वल टू 10 आपने क्या लिखा? वन टेंस इक्वल टू 10 होता है या 10 वन होता है? आरोही आपको किसी और से आप बात कर रही हो क्या बेटा? चलो मैं आपके मम्मी से डिस्कस करता हूँ क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं पूछता हूँ आप किसी से पूछ के बताती हो। वन टेंस इक्वल टू हाउ मच बेटा? सौम्या माइक ऑन करिए। अमर बेटा स्वर्णिमा आप बताइए, वन टेंस इक्वल टू हाउ मच? आप बताइए, कोई भी बताइए। वन टेंथ इक्वल टू हाउ मच? तेजी से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है? हाँ बेटा फिर से बोलिए स्वर्णिमा। अमर वन टेंथ इक्वल टू हाउ मच? सर वन टेंथ इक्वल टू 10 मंथ क्या होता है? 10 मंथ, तो 2 मंथ प्लस 10 मंथ इक्वल टू 12 मंथ होगा, ठीक है? यस सर। इसको आप प्रॉपरली लर्न कर लीजिए, 1 टेंथ इक्वल टू 10 मंथ क्या? 2 टेंथ इक्वल टू कितना? 21। समझ में आया? Yes, sir. इसी तरह 3 tens इक्वल टू 31। समझ में आया? चलिए अब आप लोग अपनी बुक ओपन करिए, आपका जो चैप्टर शुरू किया गया था टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर्स के आज आपके बुक से भी हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ओपन द पेज नंबर 14, everybody open the page number 14. Open किया बेटा? देवेश अभिनव पांडे बेटा आप दोनों की वीडियो बंद है, मुझे बाहर करना पड़ जाएगा आप दोनों को। रौनक शुक्ला आप अपना फोन बेटा हॉरिजॉन्टल व्यू में घुमाइए, रोटेट करिए। देवेश तिवारी अभिनव पांडे अपना वीडियो ऑन करिए, नहीं तो मुझे बाहर करना पड़ेगा आपको। ओपन कर पेज नंबर 19। ओपन किया? यस सर। 19 में देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, नंबर्स फ्रॉम 10 टू 99। अब 99 नंबर्स कैसे बनते हैं देखिए, जब आप 10 वंस मिलाते हैं तो 110 रेडी होता है। क्या होता है? 10 वंस से 110 रेडी होता है। 110 प्लस 0, 110 में जब 0 ऐड करेंगे, 0 वंस ऐड करेंगे तो 10 ही तो रह जाएगा ना। yes, देखिए आपकी बुक में लिखा है 110 प्लस 11 लिखा है, दिखा है कि नहीं सभी को? 110 प्लस 11 इक्वल टू हाउ मच?
कितना लिखा है? ध्यान से देखिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताना है। मैं पूछ रहा हूँ 110 + 11, 110 + 11 इक्वल टू हाउ मच सर? 11। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 110 + 21 इक्वल टू सर 12। इस तरीके से 110 + 3 इक्वल टू 13, 110 + 4 इक्वल टू 14, 110 + 8 इक्वल टू कितना बेटा? 110 + 8 इक्वल टू हाउ मच? 1। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 110 + 8 इक्वल टू हाउ मच? 18। वेरी गुड। 18 क्या है? 18-1 क्या है? 18-1 18 months आपके बुक में वंस नहीं लिखा, लेकिन आपको बोलना है अभी यही 18 टेंस का लिखो ना। 18 टेंस मतलब अगर 18 टेंस लिखो तो 18 टेंस मतलब 18 नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया 118। तो 18 टेंस रॉन्ग हो जाएगा ना, इसीलिए हमें वंस लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है? वंस लिखना जरूरी है। ओके, इसी तरीके से 99 तक के सारे नंबर आप लोग ऐड कर ले जाएंगे ना। कम टू द एक्सरसाइज 2.8। बेटा आदर्श वर्मा, आप बेटा कनेक्ट तो हुए हो आज, लेकिन आपके यहाँ से झंझनाहट की आवाज आती है स्पीकर की, जो आवाज आपके मोबाइल में फोन में मेरी सुनाई पड़ती है वो रिटर्न आती है, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा आपको। आप घर, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप म्यूट अनम्यूट करके आप आंसर दीजिएगा, अदरवाइज म्यूट भी रहने दीजिए। आदर्श वर्मा बेटा आप बार बार फिर अनम्यूट कर ले रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, माइक अपना बंद रखो, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप माइक ऑन करके आंसर देना, ठीक है? क्योंकि ऐसे में मेरी आवाज रिटर्न आने लगती है आपके फोन से, पता नहीं कैसे। ओके, ओपन द पेज नंबर 24। ओपन किया सभी ने? सौम्या आप अपना माइक ऑन रखो बेटा, आपके यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 24 एक बार बताइए, अगर 2-digit नंबर की बात करें, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ, एक नंबर लिखा 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41, फिर एक इसके बाद क्या आएगा? 43। क्या आएगा? 38, 39, 40, 41 के बाद क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा? 43। चलो सही सही बताइए फिर से। अभिनव पांडे आप बताइए, अभिनव पांडे 42। अभी आप 43 बोल रहे थे। चलिए सौम्या शर्मा आप बताइए। यस सर। आप बताइए क्या आएगा 41 के बाद, क्या लिखूं मैं? 42। आरोही पाल बेटा, आरोही पाल आप बताइए, यहाँ पे मान लीजिए 42, 41, 40, 39, फिर इसके बाद क्या लिखूं? आरोही आरोही बेटा क्या लिखूं? लेट्स से कि आई हैव रिटन सम नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज 42, देर आफ्टर 41, देर आफ्टर 40, देन 39, देर आफ्टर व्हाट नंबर शुड आई राइट? 38। वेरी नाइस बेटा। ओके आदर्श वर्मा आप बता दीजिए, आदर्श वर्मा आप बताइएगा बेटा 11, 12, 13,
14, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, 16, 17, 18, 38, आदत वर्मा, आप बताइए बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूं? सर 15, वेरी गुड, 11, 12, 13, 14, 15, तो बेटा ऐसा तो नहीं है, टू डिजिट नहीं है, आपको पढ़ने में काफी है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे ऐसा टू डिजिट नंबर को मैं स्किप करके लिखूंगा इस बार, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 23, 25, 27, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, 31, 33, अब आप बताइए बेटा आदर्श वर्मा, अब अपने आपको आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है स्पीकर की, आप म्यूट कर लीजिए। देवेश तिवारी आप बताइए बेटा क्या लिखे यहाँ पे, व्हाट शुड आई मेंशन हियर? सर 30, ओके बेटा। अमर आप बताइए, अमर माइक ऑन करके आप बताइए क्या लिखे। आदर्श वर्मा आप अपने आप को म्यूट रखे रहो बेटा, आदर्श वर्मा म्यूट रखे रहिए, जब आपका नाम लूंगा तब आप ऑन करिएगा। बताइए बेटा अमर, चलिए अमर डिसकनेक्टेड है। आराध्या यादव बेटा आप बताइए, आराध्या यादव आप बताइए बेटा, व्हाट शुड आई राइट हियर? सर थर्टी, ओके। सम्या भी नहीं बता पाई, आराध्या भी नहीं बता रहे हैं, चलिए बीरू सोनकर आप बताइए, बीरू सोनकर सार्थक आप बता सकते हैं बेटा, बता पाओगे सार्थक? यस सर। आप बताइए, ट्वेंटी एट, ये बताओ 27 के बाद 28 लिखे, 31 के पहले 30 लिखे या कुछ और लिखे? अब कैसे इसमें लिखा गया है, ये देखो 23 के बाद क्या लिखा गया है, 25, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, 23 के बाद क्या आता है, उस नंबर शुड 23 के बाद कौन सा नंबर आता है, 24 आता है, लेकिन लिखा क्या गया है, 23 के बाद 24 नहीं 25 लिखा गया है कि नहीं? 29 बेटा सौम्या, 29 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सौम्या शर्मा किसी से बात कर रही हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, 23 के बाद आपका 24 आना चाहिए बट 25 लिखा है, इसी तरह 25 के बाद 26 आता है बट 26 छोड़ के 27 लिखा गया है, तो 29, हाँ वेरी गुड। जैसे देखो यहाँ पे 23 के बाद 24 आता है, 24 बाय 25, 26, तो यानी एक एक नंबर छोड़ के एक एक नंबर स्किप करके लिखा गया है ना? यस सर। एक नंबर स्किप करेंगे कि नहीं? 27 के बाद एक नंबर स्किप करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 29 होगा, क्या होगा? 29। वैसे कर ले जाएंगे ना? यस सर, यस सर। चलिए फिर एक और नंबर लिखता हूँ, टू डिजिट वाले लिखा मैंने 10, फिर 15, फिर 20, यहाँ पे स्पेस दे दिया, फिर 30, फिर 35, 40, अब व्हाट शुड आई राइट हियर, व्हाट शुड आई राइट हियर, हू कैन टेल? 22, सर आरोही पास, बेटा
दो, मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा बेटा। सर 29। 29 भी गलत है। आप ये बताइए, देखो कभी भी आप यहाँ पे नंबर लिखने के पहले आप कैसे नंबर लिखा गया ये सोचो। जैसे मैं लिखा था यहाँ पे 10, 11, 12, 13, फिर यहाँ पे आपने क्या एक एक नंबर पढ़ा तो आपने यहाँ पे लिख दिया 14। ऐसे लिखा गया होता 15। सभी लोग आपको बोलेगा नहीं, पहले मैं समझा दूं फिर उसके बाद जब पूछूंगा तब बोलना। कोई बोलेगा नहीं 15, 14, 13, 12। अब देखिए आप यहाँ से क्या देखते थे 10, 11, 12, 13, 14 आएगा, और इससे क्या देखे 15 के बाद 14, 13, 12, यानी यहाँ पे 11 आएगा। आपको यहाँ पे बैकवर्ड फॉर्मेट में है, यहाँ पे फॉरवर्ड फॉर्मेट में है। ये जब ऊपर से शुरू से पढ़े तभी तो पता चला। 25। देखो मैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ उतना बोलिए, अभी आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। अब आप ये बताइए, आपको यहाँ से मतलब जब पूरा पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि फॉरवर्ड काउंटिंग है या बैकवर्ड काउंटिंग है। क्यों? यस सर। यस सर। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक पता चलेगा कि बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, नहीं पता चलेगा ना। यस सर। देवेश आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड में लिखा गया है या फॉरवर्ड में लिखा गया है, या एक एक नंबर स्किप किया गया है या 5-5 नंबर स्किप किया गया, कैसे पता चलेगा? जब आप पीछे पढ़ेंगे, पीछे 10 के बाद 11 लिखा गया है। नो सर। नो सर। नो सर। 10 के बाद 15 लिखा गया है, यानी 5 टाइम स्किप किया गया। 10 के बाद सीधा 15, 15 के बाद फिर 5 टाइम स्किप किया गया 20, 20 के बाद 5 टाइम इसमें भी तो स्किप करना। 25 तो 25 बार 5 टाइम स्किप करेंगे 30, फिर 35, फिर 40। तो कभी भी कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने के पहले, लिखने के पहले आप पैटर्न को, नंबर्स की सीरीज को जरूर ध्यान दें। समझ आया? चले नाउ कम टू योर बुक, रीड द क्वेश्चन नंबर 1। देवेश तिवारी रीड द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2.8। 2A का फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। सर क्या? 2A का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तो मत बोलिए आप, क्योंकि आपको बाकी सारी आवाज आ रही है, पढ़ने के नाम पे आवाज नहीं आ रही है। आगर यादव मदनापुर आप पढ़िए। सर क्या? पेज नंबर 24 पे फर्स्ट क्वेश्चन रेड कलर में लिखा है, उसको पढ़िए और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे कि क्या सही पढ़ रहे हैं आदर्श यादव मदनापुर या गलत पढ़ रहे हैं। मतलब आदर्श पढ़िए बेटा। इन्होंने सारा सही पढ़ा है, कुछ गलत पढ़ा है ना। चलिए पढ़िए अभिनव पांडे, अब आपकी बारी, आप एक बार पढ़िए। तो बाकी लोग शांत रहिए, अभी आपसे भी मैं पढ़वाऊंगा, सभी से पढ़वाऊंगा। हाँ बेटा अभिनव। BEWALD बैकवर्ड राइट UMBER नंबर्स। ठीक है देवेश तिवारी, से यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, जो आप इधर उधर देख रहे हैं, जो बात करने में बिजी हैं, आपकी मम्मी को यही रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अभिनव ने भी सेम गलतियां की। CONT क्या हो गया?
काउंट मींस क्या होता है बेटा? काउंट मींस सर नीचे, सर नीचे, नो सर नीचे। आप काउंटिंग करते हैं, काउंट नंबर काउंट करते हैं? यस सर। काउंट करिए, जरा कॉपी काउंट करिए, जरा टॉफी काउंट करिए। काउंट करना मैं बताइए। काउंट मतलब गिनना, क्या है? गिनती करना। जैसे कुछ काउंट करते हैं ना, गिनते हो ना कि कितनी कॉपियां हैं, कितनी टॉफियां हैं। तो क्या करना है? काउंट करना है। काउंट में क्या हुआ? गिनना। बाकी लोग नहीं, बाकी लोग बोलिए काउंट में सर गिनना, सर गिनना। आरोही आप भी बोलिए, आरोही आदर्श मदनापुर आप भी नहीं बोल रहे हैं, और देवेश तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ बेटा अभिनव, आपकी आवाज आ रही है, एक ही बार बोला करिए बाबू। अभिनव पांडे आपकी आवाज आ रही है। साउंड मिस होता है गिनना। आपको गिनना है, क्या गिनना है? फॉरवर्ड, एफ ओ आर डब्ल्यू ए आर डी, एफ ओ आर डब्ल्यू, क्या हो गया? फॉरवर्ड। सीधा आगे आगे बढ़ने वाली गिनती। आपको काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर, जो नीचे लिखा हुआ है उसको गिनना है। कौन सी दिशा में? फॉरवर्ड यानी आगे की दिशा में जाने के बाद। जैसे अगर वन का अगर फाइव से फॉरवर्ड पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड मतलब आगे जाएंगे, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा ना। फाइव से अगर बैकवर्ड जाएंगे तो, फाइव से बैकवर्ड मतलब पीछे जाएंगे तो क्या होगा? फाइव का बैकवर्ड क्या आएगा? फोर थ्री टू वन, बैकवर्ड इधर, आप पीछे की तरफ जाएंगे ना। यस सर। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मीन्स समझ पाए? यस सर। अगर फॉरवर्ड करने के लिए बोला जाए या बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो जान जाएंगे। यस सर। तो अभी पहले क्वेश्चन में कैसे काउंट करना है? फॉरवर्ड काउंट करना है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आपको काउंटिंग करना है तो आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करिए एंड राइट द मिसिंग नंबर। क्या लिखना है? जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग मतलब जो छूटे हुए हैं, जो गायब है, जो खाली है, वो जो मिसिंग है उनको नंबर को लिखना है। तो 39 के बाद सीधा 42 लिखा है, लेकिन उसके बीच में दो नंबर मिसिंग है ना, दो नंबर गायब है ना। यस सर। यस सर। इसको लिख ले जाएंगे फॉरवर्ड काउंटिंग करके। 39 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, करेंगे क्या आएगा? फोर्टी। ओके वेरी गुड। क्या अभिनव पांडे ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा? अमर स्वर्णिमा आपने अपना माइक बंद कर रखा है, सौम्या शर्मा ने भी माइक बंद कर रखा है। फोर्टी। हाँ आप लोग भी बोला करें। 40, 40 के बाद एक और नंबर मिसिंग है, फिर क्या लिखेंगे? सर 41। अच्छा स्वर्णिमा बेटा आप बताइए, 42 के बाद भी एक नंबर मिसिंग है। स्वर्णिमा आप बताइए, आफ्टर 42 व्हाट यू वुड बी राइटिंग? स्वर्णिमा आई एम आस्किंग फ्रॉम यू बेटा, देयर इज ए वन मोर नंबर व्हिच इज मिसिंग आफ्टर 42, what number should you would be writing there? तेजी से बोलो। यस सर। आप बताइए 42 के बाद एक नंबर मिसिंग है ना आपकी बुक में, पेज नंबर 24 ओपन है कि नहीं? आपने बुक ओपन किया है, पेज नंबर 24 ओपन किया है? यस सर। पहला क्वेश्चन नंबर 39, पहला क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। 39 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या आएगा? 39 के बाद स्वर्णिमा सर 40। 40 तो 40 41, यानी फॉरवर्ड काउंटिंग करना है इसी तरीके से। 39 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग, और जो नंबर लिखा है उसमें कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं मिसिंग है।
तो आपका 39 के बाद दो नंबर मिसिंग है, दोनों नंबर लिखना, तो 42 लिखा है, 42 के बाद क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई पूरा कर ले जाएंगे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे? सौम्या जरा पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा पढ़िए सौम्या। सर काउंट बैकवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर। ओके अमर बेटा आप भी एक बार पढ़िए, अमर क्वेश्चन नंबर टू एक बार आप भी पढ़िए। सर वन की टू टू क्वेश्चन नंबर टू एंड राइट द मिसिंग नंबर। आरोहिताल बेटा ऑल्सो यू नीड टू रीड द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू रीड करिए, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से रीड करिए। यस सर। सार्थक बेटा आप रीड करिए, सार्थक। यस सर। क्वेश्चन नंबर टू रीड करो बेटा बुक में से। सर काउंट बैक And write the missing number. Count backward. क्वेश्चन नंबर टू क्या है? Count backward. कैसे काउंट करना है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कैसे बैकवर्ड काउंटिंग करना है, फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। एक बार अगर मैंने यहाँ पे लिखा 12, तो 12 का बैकवर्ड क्या होगा? बैकवर्ड काउंटिंग करिए, कैसे आएगा 12 से बैकवर्ड काउंटिंग? 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 12 का से पीछे की गिनती गिनना शुरू करिए, बैकवर्ड काउंटिंग करिए, क्या आएगा सबसे पहले 12, फिर क्या 13 या 11? 12 का बैकवर्ड काउंटिंग हुआ, 12 11 10, करें 11 10 9, ऐसे बैकवर्ड आप उल्टी पीछे की तरफ गिनते गिनते जाएंगे, ऐसे ही आएगा ना। yes, sir. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर टू में बैकवर्ड काउंटिंग करके कंप्लीट करना है, कर ले जाएंगे सभी लोग। yes, sir. ये 57 के बाद क्या लिखेंगे? 57 के बाद आराध्या यादव क्या लिखोगी? 58 सबको मारते हैं, मारते हैं दीवान। इतनी देर से आप जुड़े हैं, अभी बेटा क्लास खत्म हो रहा है, आप अभी छुटके क्या करोगे? जब समय से तो जुड़े नहीं बेटा। एक बार अभी बताया गया है, सभी लोग ध्यान से सुने, सार्थक, आदर्श वर्मा, आराध्या, अमर एंड स्वर्णिमा, अभिनव पांडे बेटा आप भी अपना वीडियो ऑन करिए। आराध्या यादव कुछ लिख पढ़ रही है, ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे सौम्या शर्मा, देवेश तिवारी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा हूँ 12 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड मीन्स क्या होता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। जब 12 के बाद 12 से पीछे कौन सा नंबर आएगा? 11। तो इसी तरीके से 57 जो आपकी बुक में है सेकंड क्वेश्चन, उसमें पहला है 57, तो 57 के बैकवर्ड काउंटिंग करिए, क्या आएगा सबसे पहले? 57 के पहले 50 आएगा? सर 56। उसके पहले 57 के 55, फिर 54, ऐसे ही बैकवर्ड काउंटिंग करते चले जाएंगे ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, समझ में आया आरोही बेटा? यस सर। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सभी लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे फिर। यस सर। यस सर। कर ले जाएंगे बेटा। आदर्श, आदर्श यादव मदनापुर कर ले जाएंगे। यस सर। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। यस सर। नंबर सिलेंडर नंबर कैटरपिलर है, इस कैटरपिलर में आपको क्या करना है, नंबर्स को फिल करना है। इसमें 72
फिर इसके बाद थ्री नंबर्स मिसिंग हैं, फिर 76। ये फॉरवर्ड काउंटिंग इसमें करना पड़ेगा या बैकवर्ड? कैसे फॉरवर्ड? तो क्या क्या मिसिंग नंबर, क्या क्या लिखेंगे? फिर दिवान शर्मा आप भी बताइए। 74, 10, 76। हाँ आप भी बेटा समय से ज्वाइन किया करो, इतना लेट नहीं, नहीं तो जो पढ़ाया गया वो आपको आएगा ही नहीं। आप समय से ज्वाइन किया करिए, ठीक है? अब केवल एक मिनट और बचे हैं आज के, तो सब मिला के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर ले जाएंगे। ट्रेन में भी नंबर आपको फिलअप करना है, कर ले जाएंगे ना? यस सर, यस सर। तो ठीक है फिलहाल, तो पेज नंबर 24 आज का होमवर्क है, आप सबको यही भेजना है, ठीक है? पेज नंबर 24 आज यही होमवर्क है। क्या बेटा? सर किस पेज का होमवर्क है? पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। ओके आदर्श वर्मा करके करके भेजिएगा बेटा, ओके? आदर्श आराध्या यादव सार्थक 24 पेज नंबर कंप्लीट करके भेजिएगा, ठीक है? यस सर। आदर्श मदनापुर बेटा आप भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेजेंगे ना? यस सर। होमवर्क ना भेजे, ध्यान दीजिएगा, होमवर्क जरूर करके भेजिएगा। 24 आज का आज अभी भेज दीजिएगा, 5 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर लेना। कल मैं मैथ का वर्क और दूंगा या अभी हो सकता है आज ही दे दूं, ओके? इस बुक के अलावा तो लिखने के लिए ना होमवर्क दूंगा, उसको भी कंप्लीट करके भेजना। ऑलराइट? ओके बेटा आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर, गुड बाय।